हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं भाव्या और स्वागत करती हूं आपका आपके चैनल ओनली एक्टिव लर्नर में। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन से शो हो गया होगा, आज हम लोग किस चीज़ पे वर्क करेंगे। आज हम लोग ट्रांसलेशन पे वर्क करने वाले हैं और हम लोग ऑक्सफोर्ड की जूनियर ट्रांसलेशन बुक जो है उस पर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1-2 कर ली थी फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड में हम लोगों ने किया था एक्सरसाइज 3 और 4 होमवर्क। ओके, आज हम लोगों को क्या करना है, आज हम लोग एक्सरसाइज 5 करेंगे और 6 हमारा होमवर्क होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम लोग अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, एक्सरसाइज 5 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्या मैं दोषी हूँ? गाइज, ये सब जो सेंटेंसेज हैं आपके, ये सब सेंटेंसेज क्या क्या से शुरू होने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क वाले हैं। मतलब अब आपका इंट्रोगेटिव स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो क्या से जो स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस, जब मैंने टू बी से टू बी टू हैव सेंटेंसेस आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम लोग आगे लिख देते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं अब सेंटेंसेस। क्या मैं दोषी हूँ? क्या मैं दोषी हूँ? तो मैं हूँ, मैं के साथ मतलब क्या लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, तो एम क्या हो जाएगा हमारा, आगे आ जाएगा। एम आई गिल्टी? एम आई गिल्टी। फिर नेक्स्ट, क्या मैं बुरा हूँ? एम आई बैड? क्या मैं बुरा हूँ? एम आई बैड। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी। क्या हम लोग डरपोक हैं? क्या हम लोग डरपोक हैं? क्या हम लोग डरपोक हैं? आर वी टिमिड? आर वी टिमिड। क्या वह बुद्धिमान है? क्या वह बुद्धिमान है? इज ही वाइज? इज ही वाइज। क्या सीता पागल है? क्या सीता पागल है? इज सीता मैड? इज सीता मैड। मैं गाइस धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि आप लोग सेंटेंसेस ध्यान से सुने, हिंदी वो सुनिए और उसको ट्रांसलेट कैसे कर रहे हैं वो सुनिए। क्या वे लोग बहादुर हैं? क्या वे लोग बहादुर हैं? आर दे ब्रेव? आर दे ब्रेव। क्या मदन और सुरेश दुष्ट है? क्या मदन और सुरेश दुष्ट है? क्या मदन और सुरेश दुष्ट है? क्या होगा, आर मदन एंड सुरेश? आर मदन एंड सुरेश विग्ड? विग्ड। दुष्ट की क्या होती है, विग्ड, डब्ल्यू आई सी के ई डी, विग्ड। क्या बच्चे नटखट हैं? क्या बच्चे नटखट हैं? आर पुअर, आर चिल्ड्रेन, आर चिल्ड्रेन नॉटी, आर चिल्ड्रेन नॉटी। क्या मैं मोटा हूँ? एम आई फैट? एम आई फैट। क्या तुम एक डाकिया हो? क्या तुम एक डाकिया हो? आर यू अ पोस्टमैन? आर यू अ पोस्टमैन। क्या वह नर्स है? क्या वह नर्स है? इज शी अ नर्स? इज शी अ नर्स। क्या आप एक डॉक्टर हैं? क्या आप एक डॉक्टर हैं? आर यू अ डॉक्टर? आर यू अ डॉक्टर। क्या वह जादूगर है? इज ही मैजिशियन? इज ही मैजिशियन। क्या हम लोग भिखारी हैं? क्या हम लोग भिखारी हैं? आर वी बैगर? आर वी बैगर। क्या तुम लोग छात्र हो? आर यू स्टूडेंट्स? आर यू स्टूडेंट्स। क्या वे लोग डॉक्टर हैं? आर दे डॉक्टर? आर दे डॉक्टर। क्या मदन और मोहन खिलाड़ी हैं? क्या मदन और मोहन खिलाड़ी हैं? आर मदन एंड मोहन प्लेयर? आर मदन एंड मोहन प्लेयर। क्या आप लोग किसान हैं? आर यू फार्मर? आर यू फार्मर। क्या मैं चोर हूँ? एम आई थीफ? एम आई थीफ।
थीफ, क्या आप थके हैं? क्या आप थके हैं? आर यू टायर्ड? आर यू टायर्ड? क्या वह बीमार है? इज ही इल? इज ही इल? क्या वे लोग नेता हैं? क्या वे लोग नेता हैं? आर दे लीडर? आर दे लीडर? ये तो हम लोगों ने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 6 देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सरसाइज 5 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, एक्सरसाइज 6 जो है हम लोगों की होमवर्क होगी। आप इसको पॉज करिए वीडियो को, चाहे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों को एक्सरसाइज 6 होमवर्क है। और स्टूडेंट्स, जो भी होमवर्क दिया जा रहा है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ हमें सीखना है, तो आप लोगों को वो वर्क करना पड़ेगा। अगर आप लोग सीरियस हैं तो आप लोग वो वर्क करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6 जो है आप लोगों की वो होमवर्क होगी। चलिए अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 7। एक्सरसाइज 7 स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को कुछ इसके रूल्स बता देना चाहते हैं। देखिए, जैसे दूध मीठा होता है, मिल्क इज स्वीट, हम लोग होता है, ये कंफ्यूज हो जाएंगे अब, होता है, रहता है, लगता है, इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, तो क्या होगा, मिल्क इज स्वीट, दूध लाभदायक होता है, मिल्क इज यूजफुल, चीनी मीठी लगती है, शुगर इज स्वीट, शुगर इज स्वीट। ऐसे ही देखिए नोट में आप लोग ये पढ़ लीजिए नोट, मिल्क शुगर इटीसी अनकाउंटेबल नाउन है, अतः सामान्य अर्थ में इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, इसलिए हम आप लोगों को पढ़ के बता रहे हैं, जो आपके अनकाउंटेबल हैं, सामान्य अर्थ में इनका जो इनके पहले द नहीं होगा, द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ टीचर्स और चिल्ड्रन के पहले भी द का प्रयोग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब प्लूरल नाउन में, प्लूरल नाउन से पूरी जाति का बोध होता है, तब इसके पहले द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग सॉरी नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ, शिक्षक दयालु होते हैं, तो द टीचर्स नहीं लगाएंगे, या क्या लिखेंगे, टीचर्स आर काइंड, टीचर्स आर काइंड। अब देखिए यहाँ सूर्य गर्म रहता है, सूर्य गर्म रहता है, तो अब ये देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, द सन इज हॉट, समझ गए होंगे हम, आशा करते हैं हम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए सिंह बहादुर होता है, मतलब सिंह मीन्स शेर बहादुर होता है, द लॉयन इज ब्रेव, तो आप लोगों को एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज 7 करते हैं, क्योंकि टाइम हम लोग ज्यादा अपना वेस्ट नहीं करेंगे। बर्फ ठंडी होती है, आइस इज कोल्ड, बर्फ ठंडी होती है, आइस इज कोल्ड, दूध मीठा लगता है, मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट। अब लगता है, होता है, इसकी आप लोग सर्च करने मत बैठ जाइएगा, आप लोगों को क्या यूज करना है, बर्फ ठंडी होती है, आइस इज कोल्ड, दूध मीठा लगता है, मिल्क इज स्वीट, पानी उपयोगी होता है, वाटर इज यूजफुल, कोयला काला होता है, कोल बोलते हैं इसको, COAL, कोल इज ब्लैक, कोल इज ब्लैक, कोयला को, मीठी, चीनी मीठी होती है, शुगर इज स्वीट, आग गर्म होती है, फायर इज हॉट, आम मीठा होता है, मैंगो इज स्वीट, आदमी मरणशील होता है, मैन इज मॉर्टल, MORTL, मॉर्टल, गाय सीधी होती है, काउ इज सिंपल, सिंह मजबूत होता है, द लॉयन इज स्ट्रॉन्ग, बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रेन आर नॉटी, सांप डरावना होता है, स्नेक इज फियरफुल, डरावना, फियरफुल। यहाँ पे हम लोग अपनी वोकैब भी क्लियर कर रहे हैं गाइस, जिसकी मीनिंग, वर्ड मीनिंग नहीं आ रही है, वो वर्ड मीनिंग लिखिए, उससे सेंटेंसेस बनाते जाइएगा, तो आपकी वोकैब भी क्लियर हो जाएगी। साधु दयालु होते हैं, संत इज जेंटल, संत इज
सॉरी संत इज काइंड, जेंटल भी बोलते हैं कई जगह पे, बट यहाँ पे आपका काइंड दिया हुआ है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम आपको बोले संत इज काइंड। गाय नेक होती हैं, काऊ इज जेंटल, सॉरी गाय तो यहाँ पे प्लूरल है इसलिए काउज आर जेंटल, काउज आर जेंटल। बिल्ली फुर्तीली होती है, कैट इज एक्टिव। किसान परिश्रमी होते हैं, किसान परिश्रमी होते हैं। फार्मर्स आर लेबोरियस, फार्मर्स आर लेबोरियस। शिक्षक दयालु होते हैं, टीचर्स आर काइंड। माँ दयालु होती है, मदर इज काइंड, मदर इज काइंड। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप लोगों का होमवर्क है एक्सरसाइज सिक्स आपका होमवर्क है, और सेवन मैंने कर ली एट, ठीक है। एक्सरसाइज सिक्स और एट आपका होमवर्क है, आप लोगों को ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नाइन करेंगे। तो ये आपका निगेटिव है, निगेटिव मैंने बताया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट बाद आप लोगों को नॉट लगाना है। नहीं आ रहा है तो कुछ एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं, आप लोग एग्जांपल से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये इसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ टू बी टू हैव का। नहीं आ रहा है तो आप पहले जाके या तो टू बी टू हैव का वीडियो देखिए, समझिए कैसे करना है, देन आफ्टर ये करिए तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।